मिलावटी खाद बनाकर बेचने के आरोप में गुमला पुलिस ने मिसर्स गुमला कृषि क्रांति के प्रोपर्टाइजर गोपाल साहू और उनके पुत्र अनिरुद्ध साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों के ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं 19C उर्वरक अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत कांड दर्ज किया गया है। रविवार को SDPO मनीष चंद्रलाल ने गुमला थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि दुंदुरिया स्थित बैंक कॉलोनी में नकली खाद की पैकेजिंग कर बिक्री करने हेतु कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद SP के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया है। गठित टीम थाना प्रभारी मनोज कुमार एवं SDO रवि आनंद के नेतृत्व में बैंक कॉलोनी स्थित अवैध गोदाम में छापेमारी की पतलाशी लिया गया। छापेमारी टीम के कृषि विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए GN भारत। दिनांक 2/7/22 को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम गुमला थानांतर ग्राम दुंदरिया स्थित बैंक कॉलोनी में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से अब नकली खाद बना रहे हैं और उसको पैकिंग करके बिक्री कर रहे हैं, जिसके सूचना के आधार पर इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी श्री रवि आनंद, थाना प्रभारी साहब पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, पुनी विमल कुमार, पुनी सुदामा राम, अशोक बल वगैरह जाकर छापेमारी की है। वहाँ पर बैंक कॉलोनी के गोपाल साहु के गोदाम में वहाँ पर बहुत सारे नामी ग्रामी खाद के खाली बोरा, जिसमें और पैकिंग मशीन और जनरेटर साथ उसको पकड़ा गया, जिस गोदाम में भारी मात्रा में नकली खाद बरामद किया गया। गोपाल साहू के निशानदेही पर उनके दो अन्य गोदामों में भी भारी मात्रा में नकली खाद बरामद की गई है, जिसमें कृषि जिला पदाधिकारी द्वारा उस जगह को सील किया गया है। इसमें गोपाल साहू और उसका बेटा अनिरुद्ध साहू, जो प्रोप्राइटर है कृषि क्रांति टावर चौक के पास उनका दुकान है, उनके दुकान में भी छापेमारी की गई। वहाँ भी नकली बोरा और खाद पकड़ा गया है, जिसको विधिवत सील किया गया है। इसके संबंध में गुमला थाना कांड संख्या 195/22 अंकित किया गया है और उनको गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की गई है। बहुत सारी बातें सामने आई, जांच की जा रही है और उनको जेल भेजा जा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।